नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम सिटी करनाल में बढ़ती चोरी की वारदातों और अन्य मामलों के विरोध में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोई हुई सरकार है, चोरियों की भरमार है किनारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन से करनाल में बढ़ रहे चोरों के आतंक की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं और अन्य मामलों के विरोध में रोष प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि पिछले करीब एक महीने से करनाल में चोरियों की भरमार है। गरीबों की झोपड़ियों तक को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। करीब 40 दिन पहले ईद दिशा केंद्र में 25 लाख की चोरी का सुराग नहीं लगा पाया, जो कि शर्मनाक है। आए दिन करनाल में अंदर लूट कसोट, चेन स्नेचिंग, गुंडागर्दी, नशा तस्करी में इजाफा, नौकरियों के नाम पर धोखाधड़ी, हनी ट्रैप, स्पा सेंटरों में अनैतिक धंधे करनाल में बढ़ रहे हैं। पुलिस की ओर से रात की गश्त देखने को नहीं मिल रही है। ज़्यादातर पुलिस मोटरसाइकिल स्कूटरों के चालान काटने में व्यस्त रहती है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि हम सरकार और पुलिस प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि शहर में गश्त बढ़ाई जाए ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। इंद्री से हमारे संवाददाता जसविंदर शर्मा की रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे आज प्रदर्शन किया गया? देखिए करनाल में पिछले एक हफ्ते के अंदर जो चोरियों की भरमार हुई है उसको लेकर आज हमारा स्लोगन था, सोई हुई सरकार है, चोरों की भरमार है। उसको लेकर आज एक मेमोरेंडम SP महोदय को देने के लिए आए थे कि चोरियों को रोका जाए। अभी वैध बंदियों के घर 87 लाख की जो चोरी हुई है, उसके अलावा कल रात ही सेक्टर 6 में 2 करोड़ में चोरी हुई, बूढ़े खड़े पास चोरी हुई। एक हफ्ते के अंदर कितनी चोरियाँ हुई, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि ई दिशा में आज से 40 दिन पहले जो चोरी हुई थी उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। CMCD में, उपायुक्त कार्यालय में, SP की जेब से 25 लाख रुपये निकाल के ले गई और अभी तक वो नहीं मिली। जबकि करनाल के पुलिस अफसर भी और बहुत सारे अफसर बड़े काबिल हैं वो, लेकिन क्यों नहीं पकड़ी जा रही इसके लिए शंका है। दूसरा, रात्रि गश्त पढ़ाई गई, चोरियाँ होने के बाद गश्त नहीं हुई। रात्रि गश्त पढ़ाई गई, 112 की टीमों को इस्तेमाल किया जाए, मोर्चर्स जो चौकियों में खड़े हैं उनको रात्रि गश्त बढ़ाकर और बॉर्डर के ऊपर सख्ती बढ़ाकर चोरों का अंत से करनाल को बचाया जाए, वरना करनाल CMCD करनाल का करप्शन का और भ्रष्टाचार का हर हब बन चुका है, क्राइम का और भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। आप कहना चाहते हैं कि मतलब CMCD क्राइम सिटी बन चुकी है? क्राइम सिटी बन चुकी है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, हब बन चुका है, उसे मुक्त कराया जाए। अभी SP साहब को ज्ञापन देने हम आए थे, DSP कुशवाहा मैडम ने नाम ज्ञापन लिया है। हम उम्मीद करते हैं और अगले 5-7 दिनों में हम करनाल में एक हवन भी कराएंगे, हवन के बाद करनाल की सुख शांति की मांग। सर खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनके यहाँ बड़ी जाती हुई है, तो आज से 1 महीना पहले भी बैठे थे, उनको उठा दिया गया ये कहकर कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, SIT बना देगी है, लेकिन आज वहीं का वहीं खड़े हैं। उनके साथ जो हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक है, केंद्र सरकार की तरफ से भी और दिल्ली सरकार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।